हेलो एंड वेलकम टू टायर एक्सपर्ट एडवाइस। टायर एक्सपर्ट एडवाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए डेली न्यू वीडियोज़ लेके आता रहूँ और आप अपनी व्हीकल के लिए बेस्ट टायर जो है फिट कर सके और आपको टायर्स के बारे में और से और नॉलेज मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, दोनों अलग अलग कंपनी के टायर्स हैं। जैसे कि ये देखिए, ये मिचलिन कंपनी का टायर है और ये जो है ये सीएट कंपनी का टायर है। इसका 5 साल वारंटी, इसका 3 साल वारंटी, इसका कट बल्ज एंड बस्ट का वारंटी, इसका एयर का वारंटी है। और ये जो है इसका साइज 190/17, इसका 120/80/17। ये ट्यूब टायर वाला टायर है, ये ट्यूबलेस वाला टायर है। और इसका पैटर्न का नाम सिरैक स्ट्रीट है, इसका पैटर्न का नाम ग्रिप X3 है। दोनों ही ब्लॉक पैटर्न वाला टायर है, दोनों बैक साइड के टायर है, लेकिन इसका इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये जो है 100/90/17 है, 120/80/17 है। तो ये जो व्हीकल्स में आता है इसके बारे में बता दूँ, ये व्हीकल्स में जो आता है बजाज पल्सर 135, 150 NS 200 और जो है वन पल्सर 180 इन सब में आ जाता है। पल्सर 220 को लग जाता है बैक साइड में, जो कि थोड़ा हैवी टायर है। और लेकिन इसका वेट इस टायर से इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ट्यूब भी लगी होती है, ये ट्यूबलेस टायर। लेकिन लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी थोड़ी ज़्यादा है इस टायर से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये दोनों टायर ब्लॉक पैटर्न वाले हैं। तो ये सीएट कंपनी का टायर जो है ये बड़ी खास है, ब्लॉक पैटर्न वाला ग्रिप X3 जो कि लेटेस्ट पैटर्न है, और मिचलिन सिरैक स्ट्रीट बहुत पुराना पैटर्न है। लेकिन पहले से इन्होंने जो है पुराना पैटर्न यानी कि ब्लॉक पैटर्न मिलाया, लेकिन मिचलिन ने सॉरी सीएट ने अभी भी ब्लॉक पैटर्न वाला टायर लिया ग्रिप X3 बोल के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको एक एक टायर का रिव्यू दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक टायर का रिव्यू के साथ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे इसकी साइज़ दी हुई है, सॉरी यहाँ पे कंपनी का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे मिचलिन लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है आप इसका साइज़ देख सकते हैं, 190/17 दिया हुआ है, M/55P। यहाँ पे इसका रियर पैटर्न का व्हील, ये यहाँ पे सिरैक स्ट्रीट पैटर्न का नाम, यहाँ पे मिचलिन फिर से, और यहाँ पे जो है नायलॉन टायर, दोनों ही नायलॉन टायर है मैं बता दूँ। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जिसमें ट्यूब है और इसमें ट्यूब नहीं है, यानी कि वो ट्यूबलेस टायर है और ये जो है ट्यूब वाला टायर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये साइड का रिव्यू, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सीरियल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे फिर से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मिचलिन कंपनी का नाम है, यहाँ पे इसका साइज़ है, मेड इन इंडिया टायर है, लेकिन ये फॉरेन की कंपनी है, यहाँ पे इंडिया में इन्होंने प्लांट लगाया है। और सिरैक स्ट्रीट जो है ये, और ये जो है इसका वापस से सीरियल नंबर और कोडिंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दूसरे टायर का भी रिव्यू दे देता हूँ क्या क्या है इस दूसरे टायर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पैटर्न का नाम है ग्रिप X3, यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं सीएट, यहाँ पर ग्रिप X3, और यहाँ पे नायलॉन टायर जो भी लिख के दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है, और आपने एक पढ़वा, यहाँ पे बता दूँ कि इसका मैक्स लोड कैरिंग कैपेसिटी 257 kg है, और इसका मैक्स प्रेशर जो 33 PSI रिकमेंडेड है। ये बैक साइड का ये जो है रोटेशन वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पे 120/80/17 साइज़ है, इसका 61P है और उसका 55P था। तो ये जो है लोड इंडेक्स, इसकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था, यहाँ पे आप ग्रिप X3 पैटर्न का नाम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके दूसरी साइड हम रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएट कंपनी का नाम है, यहाँ पे कंपनी का बार कोडिंग है, यहाँ पे पैटर्न का नाम है, यहाँ पे फिर से जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसकी साइज़ है, ये रोटेशन पैटर्न क्लॉकवाइज है, और मैं टर्न कर दूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं नायलॉन टायर है, ये ग्रिप X3 पैटर्न का नाम, और यहाँ पे जो है सीएट कंपनी का नाम। तो जैसे चलिए शुरू करते हैं, वापस से मैं आपको इन दोनों का टायर का रिव्यू बता देता हूँ, डिटेल में बताऊँगा आज। जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्यूबलेस टायर और ट्यूब वाला टायर है। तो दोनों का बेसिक डिफरेंस ये है कि ट्यूबलेस टायर जो होता है, इसका पंचर 5 मिनट बन जाता है, इसका पंचर बनने को आधा घंटा लग जाता है, और ये जो है अगर पंचर होने पर 10 से 15 किलोमीटर आपको सर्विस दे देता है, यानी कि आपको पंचर निकालने की जरूरत नहीं है। ऑन द वे रन में भी आपको पंचर होता है पता नहीं चलता, लेकिन ये 10 से 15 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस तक पहुंचा देता है, लेकिन इसको जगह पे पंचर बनाना पड़ता है या फिर गाड़ी ढकेलनी पड़ती है। तीसरी खास बात मैं बता दूँ, अगर कहीं पर पंचर नहीं बन रहा है तो इसको अगर आप जो है हवा भरवा के जो है इस पर जो है हवा भरवा के जो है आप 10 से 15 किलोमीटर सर्विस ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ ये जैसे मैंने आपको बताया। तो चलिए वेट के बारे में अगर हम बात करें, तो इसका वेट 3 to 4 kg के आसपास होना चाहिए, और इसका वेट 5-6 kg के आसपास होना चाहिए। इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 5-6 kg के आसपास इसका वेट होगा। दोनों ब्लैक पैटर्न का टायर है, जैसे कि दोनों जो है बढ़िया टायर लग रहे हैं मुझे। तो दोनों जैसे कि अलग अलग कंपनी के हैं, तो जो मुझे पूछ रहे हैं 150/180 में पल्सर 150/180 में क्या हम 190/17 या 120/80/17 लगा सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। और जिनका ट्यूब टाइप वाला व्हीकल है
उनमें इसमें 197 की ट्यूब लगवा के भी 120/80/17 का टायर लगवा सकते हैं, लेकिन जो है एवरेज में फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि अगर जनरली हम देखें तो ये जो है कॉलेज के स्टूडेंट्स चलाते हैं, यूथ चलाते हैं, तो यूथ के लिए जो है सिंगल सीटी चलते हैं या फिर बहुत कम लोड होता है, या फिर जो है अपने पार्टनर के साथ चलाते हैं, तो ये जो है उससे थोड़ा व्हीकल का एवरेज कम होगा, 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट से भी कम हो सकता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपका रोड का जो हाइट जो है वो बढ़ के मिलेगा आपको 120, क्योंकि ये 100 है और ये 120, तो आपको विड्थ भी बढ़ के मिलेगा। और ये यहाँ पे जो है 80 है, और इसका जो है 90 है, तो बाकी रिंग साइज दोनों की 17 है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि पंचर के बारे में बात की, तो चलिए इन दोनों का मैं आपको लाइफ बता दूं। इनका लाइफ जो है 3 ईयर्स पकड़ लीजिए आप, या फिर 3 ईयर्स में आपका नहीं हो रहा है तो इसका 35 to 40,000 किलोमीटर्स दोनों का ही लाइफ मैं आपको बता दूं, 35 to 40,000 किलोमीटर्स आपको दोनों का लाइफ रहेगा। और TWI पर आने के बाद आपको टायर रिप्लेस कर देना है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया। तो अगर नहीं देखिए तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको डिटेल बताया। तो चलिए हवा के बारे में जैसे हम बात करते हैं, हवा दोनों में नाइट्रोजन एयर भरवाएं, जिससे टायर का लाइफ 25% इंक्रीज़ होगा, जो कि मैंने आपकी पिछली वीडियोज़ में सब बताया है। तो मैं ज़्यादा वक्त ज़्यादा ना करूँगा, नहीं करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए जैसे कि हम दोनों की बात कर रहे थे, तो जैसे कि मैंने अपनी लाइफ के बारे में बात कर दी, तो जैसे कि ब्लॉक पैटर्न वाला टायर है, दोनों जो है कच्चे सड़क के लिए बेस्ट रहेंगे, या फिर जो है अभी बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में भी ये दोनों टायर अच्छे रहेंगे। क्योंकि जो ब्लॉक पैटर्न वाला टायर की खासियत ये है कि ये जो है स्लिप नहीं करते रफ़ पैचेस पे, या फिर खड्डे में, या फिर जो है आप बल्जी रोड्स पे, कहीं भी भी दोनों टायर स्लिप नहीं करते, ये दोनों की खासियत है। और कच्चे सड़क पे कहीं भी आप चलाएं, बारिश के पानी में भी, रास्ते में भी चलाएं, ब्रेक थोड़े इस पर अर्जेंट लगते हैं, अर्जेंट ब्रेकिंग है, और टर्निंग और कॉर्नरिंग जो है दोनों का बहुत बढ़िया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ब्लॉक पैटर्न वाले टायर ही लगवाएं, क्योंकि आजकल जो है स्पीड रेटिंग सबकी बढ़ चुकी है, यानी कि 60, 80, 100 स्पीड के नीचे कोई चलाता नहीं। और उस स्पीड में अर्जेंट ब्रेक लगाने के लिए जो है ब्लॉक पैटर्न वाला टायर आपको साथ देता है, साथ देता है यानी कि ब्रेक अर्जेंट लग जाता है और टायर जो है स्लिप नहीं करता। तो मेरी रिकमेंडेशन रही कि अगर आप 197 लगवाना चाहते हो तो मिचलिन लगवाएं, जो कि बेस्ट टायर है। दोनों की खास बात मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता दूँ, ये जो है ये ब्यूटाइल रबर से बना हुआ है, और ये जो है सिंथेटिक रबर से बना हुआ है। तो सिंथेटिक रबर में जो है बाउंस तो आपका कम लगता है, इस पर थोड़ा सा बाउंस हो सकता है, बाउंस नहीं के बराबर होगा दोनों में भी, लेकिन जो है दोनों के कंपेरिजन में अगर मैं बात करूँ तो इसमें बाउंस नहीं होगा, टायर जो है बाउंस नहीं होगा, और आपके बॉडी पार्ट्स को जो है सेफ्टी रहेगी। सेफ्टी यानी कि कैसे कि कभी कभी गाड़ी चलाते वक्त अगर आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपका सर दर्द कर रहा है, पीठ दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है, ऐसे सब चीज़ें होती रहती है। तो इसको जो है अगर ये नहीं चाहिए तो आप मिचलिन का टायर लगवाएं, ये 197 जो आप लगवा रहे हैं तो मिचलिन का टायर लगवाएं, क्योंकि आजकल तो अवेलेबल भी नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको आपको स्पेशली इस वीडियो के लिए मैं लेके आया हूँ ये टायर, तो क्योंकि इंपोर्ट बंद है। तो चलिए मैं जैसे कि आपको बता रहा था, ये जो है सिंथेटिक रबर से बना है, जिसमें कुशनिंग थोड़ा अलग है। इसका जो कुशनिंग, जैसे हम बात कर रहे हैं, इसका जो रबर रबर की बात कर रहे हैं, ये जो रबर है जिसको आप अगर हाथ भी लगाएं तो आपको महसूस होता है कि एक फील डिफरेंट होता है। और इसका जो रबर है ये जो है थोड़ा हार्ड है, ये थोड़ा सॉफ्ट रबर है। सॉफ्ट रबर यानी कि सिंथेटिक रबर जो होता है वो पॉलीकॉर्ड्स, और ये जो होता है वो जो है जिससे वो टायर बाउंस नहीं करता है, और जो है रनिंग में आप हाई स्पीड रनिंग में भी आपको कंफर्टेबल राइड मिल जाती है। तो जैसे कि मैं दोनों की बात कर रहा था, दोनों की वारंटी की जैसे मैं बात कर रहा था, इसका ऑनलाइन वारंटी रजिस्ट्रेशन होता है, इसका ऑनलाइन वारंटी रजिस्ट्रेशन फिलहाल नहीं है। ऑनलाइन वारंटी रजिस्ट्रेशन में जो है इसका ना इसमें आपका मोबाइल नंबर और नाम आपको बताना होता है, जिससे आपका ऑनलाइन वारंटी रजिस्टर हो जाता है 3 साल के लिए, और आप ऑनलाइन करते तो 3.5 साल आपको वारंटी मिल जाती है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। तो जैसे कि ये दोनों टायर के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये जो है 197 और 120/80/17, ये दोनों ही टायर बढ़िया हैं। ब्लॉक पैटर्न वाला ग्रिप X3 और सिरेक्स स्ट्रीट जो है पुराना ही पैटर्न है, इसमें और भी लेटेस्ट पैटर्न्स आए हैं जिसके मैं फ्यूचर में रिव्यू देता रहूँगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, 197 ट्यूब टाइप वाला टायर है, तो जो कि बढ़िया टायर है अपनी व्हीकल के लिए। तो आप जो है 197 जिन जिनका व्हीकल का टायर है उसमें आप ये ही फिट करवाएं, और जिसका 120/80/17 है उसमें वो फिट करवाएं। और ये था मेरा रिव्यू इन दोनों टायर्स के बारे में आज के इस वीडियो में। जैसे कि आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा पहली बात तो, और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको कौन से टायर का रिव्यू चाहिए फ्यूचर में, और मुझे ये भी बताइएगा कि इस वीडियो में कोई अगर मैं एलिमेंट मिस कर रहा हूँ तो वो मुझे आप बताइएगा, तो कि मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ में वो एलिमेंट लेके आऊँ। जैसे कि वेट के बारे में बता दिया मैंने आपको, और
परफॉर्मेंस के बारे में बता दिया, नाइट्रोजन एयर के बारे में, सबके बारे में मैंने आपको डिटेल में थोड़ा थोड़ा बता ही दिया है। और आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको प्रॉपरली सजेस्ट करूँगा हर एक चीज़, और आपके व्हीकल के लिए बेस्ट टायर मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो टायर एक्सपर्ट एडवाइस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो में इतना ही, आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी आपसे हो सकता है उतना प्लीज़ करिएगा, ताकि मैं आपके लिए डेली वीडियोज़ लेके आऊँ और मुझे वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और इसी तरह आप मुझे अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपके लिए फ्यूचर में बहुत ही बढ़िया बढ़िया टायर्स के बारे में रिव्यू लेके आऊँगा, और जो है न्यू टायर्स, ब्रांड न्यू टायर्स, अलग अलग कंपनी के टायर्स, सभी के बारे में मैं रिव्यू लेके आता हूँ रहूँगा आपके लिए। तो टायर एक्सपर्ट एडवाइस में आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।